मेले में बिछड़ गए थे क्या? ये वो आम पंक्ति है जिसे आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहे जाने वाले प्रयागराज कुंभ मेला में कोई नहीं बिछड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो बता दूं कि ऐसा एआई की मदद से होने वाला है। यही नहीं, एआई महाकुंभ के दौरान पार्किंग में भीड़ को नियंत्रित करने में भी काफी मददगार साबित होने वाला है। महाकुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आधुनिक कैमरे के साथ एआई तकनीक के मिलने से महाकुंभ की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आएगी। भीड़ नियंत्रण के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी और उपयुक्त कदम उठाए जा सकेंगे। 2700 हाईटेक कैमरे जनपद और महाकुंभ क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। इनका एक कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से विशेषज्ञों द्वारा गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। एसएसपी ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी है। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने के क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे, किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे, बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं ये अभी से ही आती हुई फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें और जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो अधिक से अधिक यूज़ करने लायक हो। ये एक नया प्रयोग है तो किसके लिए हेल्पफुल होगा और क्या? देखिए, समय के साथ तकनीक में वृद्धि होती जा रही है। एआई जैसा आप जानते हैं विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रयोग करने से हमको जो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके एडिशन में यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे जो 56 थाने हैं, जैसे जैसे हमको ज़मीन मिलती आ रही है वैसे हम थाने बनाते आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हमको जो हमारा पुलिस बल है उनको वहाँ पे रुकना है, उनको जानकारी करनी है उस एरिया के बारे में, बल्कि जो भी मेला प्रशासन द्वारा अपने प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा करनी है। तो वर्तमान में लगभग हमने 25 थाने बना दिए हैं और शीघ्र ही अपने सारे थाने बना करके उसमें नियुक्ति कर देंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ में ये पहली बार हो रहा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं की जा रही हैं। महाकुंभ जनवरी महीने की 13 तारीख से शुरू होगा और 26 फरवरी तक रहेगा।